बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में इनवेरेक्स एरोक्स 5.2 किलोवाट की हम मुकम्मल सेटिंग करेंगे। अच्छा, 3.2 किलोवाट की सेटिंग इसी चैनल पर मौजूद है, तो 5.2 और 3.2 में जो फ़र्क है, मैं उसमें कोशिश करूँगा कि उनको वाज़े करूँ। और ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं अपने राइट साइड और ये लेफ़्ट साइड पर, तो इनके बारे में मैं आपको इंडिकेशंस के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि अगर ब्लिंक कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, और अगर ये सॉलिड ऑन हो तो इसका मतलब क्या है। अच्छा, इस सिलसिले में आप इस चार्ट की मदद भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास सेव कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टॉप वाली लाइट की कि अगर ये सॉलिड ऑन हो तो इसका मतलब है कि ये बाईपास मोड पर है, और अगर ये ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब ये इन्वर्टर मोड पर, मतलब बैटरी पर है। अगर बात करें दूसरी लाइट की, तो ये अगर सॉलिड ऑन हो तो इसका मतलब बैटरी फुली चार्ज है, और अगर ये ब्लिंक कर रही है तो मतलब बैटरी अभी चार्जिंग हो रही है आपकी। और ये तीसरी लाइट की बात करें तो ये रेड कलर की लाइट है और ये फॉल्ट की है। अगर ये सॉलिड ऑन हो तो फॉल्ट मूड है, अगर ये फ्लैशिंग कर रही हो तो ये वार्निंग मूड है। और अब बात करें इस लेफ़्ट साइड की टॉप वाली इंडिकेशन की, तो ये अगर सॉलिड ऑन है तो इसका मतलब कि ये यूटिलिटी मूड पर होगा, और अगर बीच वाली लाइट अगर ऑन हो तो इसका मतलब कि अभी आपका लोड सोलर से चल रहा है। और दोस्तों, अगर ये तीसरी वाली लाइट ऑन हो सॉलिड, तो इसका मतलब है कि बैटरी मोड पर है। और दोस्तों, याद रखें, बाज़ों को आती है दो लाइट्स भी ऑन होती हैं तो इसका मतलब उन दोनों सोर्स से ले रहा है, मतलब अगर बीच वाली और नीचे वाली लाइट जल रही है तो बैटरी और PV दोनों से ले रहा है। और अब सेटिंग में जाने के लिए हम इंटर के बटन को 3 सेकेंड तक दबा के रखेंगे। तो दोस्तों, पहले नंबर की सेटिंग पे ये हमसे आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी पूछ रहा है कि आप पहली प्रायोरिटी किसको देना चाहते हैं। हमारे पास 3 सोर्स हैं, सोलर है, यूटिलिटी है और बैटरी है। तो इसमें मैं आपको मुख्तसर बता दूं कि हम सोलर, यूटिलिटी और बैटरी को सिलेक्ट करते हैं, ताकि सबसे पहले हम सोलर इस्तेमाल करें, उसके बाद यूटिलिटी, उसके बाद बैटरी। तो जिन दोस्तों के पास लाइट नहीं जाती 24 घंटे, तो वो लोग SBU पे रख सकते हैं, तो उससे पहले वो सोलर से उठाएंगे, उसके बाद बैटरी इस्तेमाल होगी, उसके बाद वो यूटिलिटी, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सकती है उनकी। दोस्तों, अगर बात करें एम्पेयर्स की, तो ये मैंने 30 एम्पेयर रखा है। अच्छा, बाज़ दोस्तों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये 30 एम्पेयर शायद 4 बैटरीज में डिवाइड होंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपने 30 या 20 एम्पेयर रखा तो हर एक बैटरी को 30 या 20 एम्पेयर जो भी आपने रखा होगा वो करंट मिलेगा, क्योंकि ये 4 बैटरी सीरीज़ में है तो वोल्ट बढ़ जाएंगे, एम्पेयर सेम रहेंगे। हाँ, अगर आपने पैरेलल में लगाई हुई है बैटरीज तो फिर आपको एम्पेयर बढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए इसके एम्पेयर्स रेंज 80 एम्पेयर्स तक है। अब आते हैं तीसरे नंबर की सेटिंग, AC इनपुट वोल्टेज रेंज। अगर आपने APL रखा तो ये एक्सेप्टेबल AC वोल्टेज 90 से 280 वोल्ट तक होंगे, और अगर UPS रखा तो 170 वोल्ट से 280 तक होंगे, तो हमें APL बेस्ट रहेगा। तो अब बात करते हैं 5 नंबर की सेटिंग, जो कि बैटरी टाइप पूछ रहा है। तो इसमें 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आपने AGN रखा तो इसका मतलब है कि ड्राई बैटरी, और अगर आपने फ्लडेड रखा तो इसका मतलब है कि तेज़ाब वाली बैटरी, और इसके अलावा अगर आपने यूज़ यानी कि यूज़र डिफाइन रखा तो इसका ये फ़ायदा होगा आपको कि 26, 27 और 29 नंबर की सेटिंग को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी 2 सेटिंग्स में आप एडजस्ट नहीं कर सकते। तो आपने 6 नंबर और 7 नंबर की सेटिंग को डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है दोस्तों, क्योंकि ये एक ओवरलोड की है और दूसरा ओवर टेम्परेचर की है। 8 नंबर की आती है गेट फीडिंग की, तो अगर आपके पास इनेबल है गेट फीडिंग तो आप करें, वरना इसको डिसेबल रखें। 9 नंबर सेटिंग दोस्तों आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, जो कि 50 हर्ट्ज़ है, और 10 नंबर वोल्टेज आउटपुट की है, तो वो 230 वोल्ट बहुत है हमारे लिए। अच्छा, 11 नंबर पर यूटिलिटी से चार्जिंग पूछ रहा है, तो इसमें 20 एम्पेयर इनफ है हमारे लिए, क्योंकि हर वक्त हम चार्ज नहीं करते बैटरी से, कभी कभार जब ज़रूरत पड़ती है उस वक्त चार्ज करते हैं। तो 2 एम्पेयर है, 10, 20 से लेकर के ये 80 एम्पेयर तक का इसमें चार्जिंग का ऑप्शन है, तो मैंने 20 रखा हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, 12 नंबर की जो सेटिंग है वो हमने प्रोग्राम 1 में अगर SBU सेलेक्ट किया होगा तो उसके लिए है, मतलब ये कि अगर बैटरी आपकी कितने वोल्ट पर पहुंचे तो उसके बाद वो बैटरी से यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाए। और इसी तरह दोस्तों, 13 नंबर की सेटिंग में आपकी बैटरी कितनी चार्ज हो जाए
क्योंकि उस वक्त यूटिलिटी पे लोड चल रहा होगा, तो फिर दोबारा वापस बैटरी पे आए। तो इसमें फुल का ऑप्शन भी है, 48 का है, 54 का है, 56 का है, जहाँ तक आप चाहें रख सकते हैं। हमें ये 48 सूटेबल लगता है, आपको जो लगे आप उस हिसाब से रखिएगा। अच्छा दोस्तों, 16 नंबर की सेटिंग में हमसे पूछ रहा है कि चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी आप क्या रखना चाहते हैं, पहले किस से चार्ज करना चाहते हैं। तो इसमें तीन ऑप्शन है, एक SNU है, इसका मतलब ये है कि सोलर एनर्जी और यूटिलिटी एक साथ बैटरी को चार्ज करेंगे। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों OSO यानी ओनली सोलर, तो ये सिर्फ आप सोलर से चार्ज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों CSO, इसका मतलब ये है कि सोलर एनर्जी फर्स्ट प्रायोरिटी पे बैटरी को तो चार्ज करेगा लेकिन यूटिलिटी से चार्ज नहीं करेगा, वो उस वक्त चार्ज करेगा जब सोलर मौजूद नहीं होगा। तो हमें बहरहाल SNU की सेटिंग बेहतर है, क्योंकि बाजू का दिन में भी हमें बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। अच्छा, इसके बाद है 18 नंबर की सेटिंग अलार्म कंट्रोल की, तो दोस्तों इसको आपने ऑन रखना है। अच्छा, ये 19 नंबर की सेटिंग दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग है, इसमें आप जो पैरामीटर्स चेक कर रहे होते हैं, वोल्ट, वाट और जो PV से इनपुट आ रहे हैं, आउटपुट जा रहे हैं, तो उसमें अपनी मर्ज़ी का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये TEP आपने रखना है। 20 नंबर की सेटिंग दोस्तों ये बैक लाइट कंट्रोल की है, तो ये आपने ऑन रखना है। कुछ दोस्त इसको ऑफ़ भी रखते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि ऑन रखें या ऑफ़। 22 नंबर की सेटिंग में दोस्तों ये भी एक किस्म का अलार्म है, ये बीप, जब फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको कोई भी सोर्स मिलती है सोलर से तो ये बीप आती है, तो इसको ऑफ़ रखें, बाज़ औक़ात बड़ी परेशानी का सबब बनता है, ये बंद ही नहीं होती सुबह को ये बीप। अच्छा, 23 नंबर ये पूछ रहा है कि ये ओवरलोड अगर हो जाए तो ये बैटरी मोड से बाईपास करेगा, तो हम इसको डिसेबल ही रखते हैं। 25 नंबर की सेटिंग में दोस्तों ये पूछ रहा है कि रिकॉर्ड फॉल्ट कोड, तो इसको अपने FEN ही रखना है, इसको इनेबल रखें आप। अच्छा, 26 नंबर पे दोस्तों ये पूछ रहा है कि बल्क चार्जिंग वोल्टेज, अब डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी होती है 56.4, लेकिन हमारे पास बैटरीज लगी हुई हैं, हमारे पास TX 1800, तो उसमें जो कंपनी रिकमेंड करती है वो 58.4 रहती है, तो हम इसको 58 ही रखते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो 5 नंबर की सेटिंग में हमने यूज़र डिफाइन रखा था, अगर वो आप यूज़ पे रखेंगे तो इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं दोस्तों 27 नंबर की सेटिंग जो कि फ्लोर चार्जिंग की है, तो इसमें डिफ़ॉल्ट इन्वर्टर की सेटिंग 54 होती है और बैटरी रिकमेंडेशन में भी 54 ही होती है, लेकिन मैं 3 वोल्ट इसको ज़रा बढ़ा के रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास 8 प्लेट्स लगी हुई हैं, तो अगर थोड़ा सा भी लोड कम होता है तो वो जल्दी जल्दी से बैटरी को चार्ज कर देती हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, 28 नंबर की सेटिंग में दोस्तों अगर आप इसको सिंगल यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप ये 51G या SIG रखेंगे, अगर आपने पैरेलल में या 3 फेस में जोड़ना है तो फिर बाकी सेटिंग्स हैं उन पे करने, लेकिन फ़िलहाल आप इसमें ही रहें, डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी यही है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद 29 नंबर की सेटिंग में लो DC कट ऑफ के बैटरी आपकी कितने वोल्ट पर रहे तो ये उसको बंद कर दे, तो ये कम से कम 42 रखें आप, 42 बेस्ट रहेगी और इससे कम नहीं हो सकती। अच्छा, इसके बाद दोस्तों 32 नंबर की सेटिंग में बल्क चार्जिंग टाइम पूछ रहा है, तो इसमें अगर आप ऑटो रख देंगे तो ये बेहतर है कि खुद ही ये सेंस कर लेगा। अच्छा, तो 33 नंबर की सेटिंग में दोस्तों ये बैटरी इक्वलाइजेशन का पूछ रहा है, तो इसमें आपने EEN इसको इनेबल ही रखना है। 34 नंबर की सेटिंग में दोस्तों बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज पूछ रहा है, तो मैंने ये ज़रा बढ़ा के 2 वोल्ट तकरीबन 60 करके रखी है, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अच्छा, डिफ़ॉल्ट इसमें 58.4 है। 35 नंबर पे बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम दोस्तों पूछ रहा है, तो ये 60 मिनट इनफ है। 36 नंबर की सेटिंग में दोस्तों बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम आउट है, तो ये 120 बेस्ट है। उसके बाद 37 नंबर पे इक्वलाइजेशन इंटरवल, तो ये 30 डेज बेस्ट रहेंगे। अच्छा, 39 नंबर पे दोस्तों इक्वलाइजेशन एक्टिवेट इमीडिएटली, अगर आप जल्दी चाहते हैं कि ज़रूरत है आपकी बैटरी को इक्वलाइजेशन की, तो आप इसको AEN पे रखेंगे तो ये इमीडिएटली उसी वक्त ये इक्वलाइजेशन शुरू कर देगी। अच्छा, 40 नंबर में दोस्तों रीसेट PV एंड लोड एनर्जी स्टोरेज, तो इसको आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। 93 नंबर की सेटिंग दोस्तों ऑल डेटा को रीसेट करने के लिए, तो अगर आप नॉट रीसेट करेंगे तो इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, अगर आप रीसेट करेंगे तो इसको RST पे करें।
उसके बाद 94 पे है दोस्तों डेटा लॉग स्टोर पीरियड, तो इसको आप 60 पे रख दें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद दोस्तों टाइम सेटिंग है जो 95 पे मिनट सेट करेंगे आप, 96 पे घंटा सेट करेंगे आप, और 97 पे आप डे सेट करेंगे, और 98 पे मंथ सेट करेंगे, और 99 पे आप पूरा इसका साल सेट करके आप इसको ओके कर दें। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी दोस्तों, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।